एक संदर्भ कह रहा था, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। तो इसकी शुरुआत में मैंने सदगुरु श्री पूरण साहिब जी की पंक्ति उद्धृत की थी, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैराग, सो सुखिया तिहुं लोक में जाको निश्चय त्याग। अब यह विषय समापन की ओर है, तो मैं आज पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति उद्धृत कर रहा हूँ। जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, तब आज से ही हों अकेले सब मिटे परिताप ही। गुरुदेव जी कहते हैं क्योंकि सभी साधक जो मुक्ति इच्छुक हैं वे क्या चाहते हैं, मैं इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाऊं। मतलब वो ऐसी अवस्था है जहां देह भी न हो। और कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों तक हम देह से छुटकारा पा जाएं, उसके पश्चात फिर से शरीर धारण कर लें, ऐसा तो नहीं है। साहब कहते हैं जब नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही। नित्य शाश्वत मतलब सदा सदा के लिए आप शरीर और संसार को छोड़ करके अलग होने का उद्देश्य बनाया हो, ये लक्ष्य निर्धारित किए हो, तो अब साहब क्या कह रहे हैं, तो आज से ही हो अकेले। अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमने सोचा और हुआ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। अब साहब क्या कह रहे हैं, जो ये चाहते हो कि मैं हमेशा सबसे अलग थलग, जिसको हम लोग एक शब्द कहते हैं विदेह मुक्त, पहले होता है जीवन मुक्त और वो जीते जीते। तो साहब का कहना है कि जब आप जीते जीते जीवन मुक्त का, मुक्ति का अनुभव नहीं करोगे तो विदेह मुक्त कैसे हो पाओगे, ये तो संभव नहीं है। वो कैसे होगा, वो तो आज से ही हो अकेले। साहब का क्या कहना है, तो आज उस अकेलेपन का अभ्यास करो। वो अकेलेपन का अनुभव एक लंबे समय तक नहीं होगा तो फिर बाद में अकेलापन नहीं आने वाला है। बिना कारण के कार्य नहीं होगा, आपने उसके लिए कोई मेहनत, कोई कमाई नहीं की है, या उसके लिए जो सचमुच कीमत चुकाना चाहिए वो कीमत चुकाए नहीं है, वो चीज नहीं मिलने वाली है। तो लक्ष्य तो ठीक है कि हमने ऐसा सोचा है, लेकिन क्या उसके अनुसार, क्या सचमुच वहां पहुंचने के लिए प्रयास है, क्या वैसा हम कर पा रहे हैं? इसलिए ये सारी बातें आई थी कि भाई जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं, अब जब उस अवस्था में पहुंचना है तो उसका एक सिस्टम होगा। सिस्टम अब ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कैसे भी करो, कहीं कुछ भी खाओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी व्यवहार करते रह जाओ। अब कोई कहे हम चाहे बीड़ी तम्बाकू गांजा भांग पीते रहें, चोरी हिंसा भी विचार करते रहें, गाली निंदा झूठ भी देते रहें, ये करें वो करें, नहीं, उसका परिणाम आएगा वो अलग आएगा, उसका परिणाम अलग आएगा। लेकिन आपके जिन व्यवहारों से परिणाम आने वाला है वो व्यवहार करना पड़ेगा। तो कुछ तो हमको ऐसे जीवन मूल्यों का निर्धारण करना पड़ेगा। जीवन मूल्य का सीधा सरल अर्थ देहाती बताऊं, वह व्यवहार या वे सद्गुण जो आपके जीवन को मूल्यवान बना दे। हम सभी सबसे जब हम क्रोध करते हैं तब ज्यादा मूल्यवान होते हैं कि हम क्षमा करते हैं तब ज्यादा मूल्यवान होते हैं? जब चंचलता रहती है तब मूल्यवान होते हैं कि शांत रहते हैं तब मूल्यवान होते हैं?
थोड़ा सा भी इसको समझ लेंगे तो क्या होगा कि जो सचमुच ये सद्गुण है ना, ये सद्गुण ही हमारे लिए मूल्यवान है। तो जिन जीवन मूल्यों की हम सराहना करते हैं उसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने पर क्या होगा, वे हमारे भीतर उतरते जाएंगे, उतरते। और कई बार इस चीज को मैंने कहा है कि किसी चीज को जब आप चाहेंगे करेंगे तो बार बार जब करेंगे तो उसकी वो शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब ये उदाहरण तो न जाने कितनी बार दिया, जैसे चलना। हम चाहते हैं कि सुबह हम 5 किलोमीटर चलें मॉर्निंग वॉक में, लेकिन होता क्या, जनरली 2 किलोमीटर चल के हम थक जाते हैं। तो फिर चलने की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, चलने की शक्ति को चलकर और चलकर और चलकर और चलकर जितना हम चलते चले जाएंगे चलने की शक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही दौड़ने की शक्ति, पढ़ने की, किसी भी चीज को आप समझ सकते हैं, ये शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही क्षमा करने की शक्ति, प्रेम, मैत्री, ये सारी चीजें कैसे बढ़ेंगी, जब आप इसका प्रयोग करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे। जब आप बार बार इसको करेंगे तो वो आप में करने वाली शक्ति बढ़ती चली जाएगी, इसलिए वो भीतर उतरता जाएगा। फिर क्या होगा, जरूरत के समय वो प्रकट हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, पहले ही जब आप इस चीज के लिए आप, मैंने एक दिन कहा था ना कि असली युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। जब आप साधना के एकांत कक्ष में अपने आप से जब विजय पा लेते हैं तो फिर बाहर आप विजय पा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम ये करें। क्यों, जब वो परिस्थिति आएगी ना तो उस परिस्थिति में आप अपने आप को साधना करके, अवसर नहीं रहेगा फिर उस समय, अवसर नहीं रहेगा कि हम सोचें अच्छा क्या करना है, इसको कौन सा औजार सामने लाना है, आपके पास अवसर नहीं रहेगा। इसलिए एपिक्टेटस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे तो केवल उसके वास्तविक स्वरूप को उसके सामने प्रकट कर देती हैं। मैं इसको सरल भाषा में कहूं, दूसरे शब्दों में, तो परिस्थितियों को मतलब है दर्पण, बस वो आपको दिखा देती, ये आप हैं। विषम परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, मतलब जो खास करके विषम परिस्थिति, जब बहुत आप परेशान हो रहे हो तो आपके भीतर क्या निकलेगा, वही जो आपने इकट्ठा किया है। तो परिस्थिति से हम निर्मित नहीं हो रहे हैं, वो तो हमारे असली रूप को प्रकट कर रही है, बस इतनी सी बात है। जब कोई समस्या आती है तो लोग उस समय तक जो भी विकसित सर्वोच्च जीवन मूल्य है उसी के आधार पर वे प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हमने अब तक के जो भी जीवन मूल्यों को विकसित किया है वो उस समय प्रकट हो जाएंगे और उसी के अनुरूप में हम कार्य करने लग जाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि बार बार दोहराने पर ही, ये दोहराने से ही ये जीवन मूल्य दृढ़ होते हैं। और जब हम किसी विशेष जीवन मूल्य के अनुरूप बार बार व्यवहार करते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, स्वतः करने लगते हैं। और उस आदत के स्तर को वहां तक ले जाना है, उस स्तर तक ले जाना है जहां हमको सोचना ना पड़े, फिर सोचना ना पड़े क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब सोचने का अवसर नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से हो, स्वाभाविक रूप से हो तो ये वो फिर वो सही रहेगा। मतलब आप, हम ये मान करके चलेंगे, मतलब इसका अभ्यास है, मतलब ये है, नहीं तो क्या होगा उस परिस्थिति में, ये करूं कि ये करूं, ये दुविधा ग्रस्त ना हो। दुविधा कब होगी, जब सही अभ्यास नहीं होगा, मतलब एक तो निश्चयता नहीं होगी इस संबंध में कि यही है और उसके अनुसार काम नहीं हुआ होगा, तो फिर आप
कभी आप सही भी कर लेंगे, कभी कभी आप गलत भी कर देंगे, कभी कभी जीवन मूल्य को उल्लंघन भी कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करने का है। मतलब जब हम ये बार बार करते रहेंगे तो फिर वो हमारी आदत सी बन जाएगी। देखिए, हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब उनमें कोई ऐसा गुण है जो हमें आकर्षित कर रहे हैं। अब जिन गुणों से आप आकर्षित हो रहे हैं उसे अपने जीवन में लाना है, तो लाना है तो कैसे आएगा? अब जो वो अभ्यास करते हैं, जो वो काम करते हैं, वो हमें करना पड़ेगा। तो जो आकर्षित करते हैं, आप भी उन गुणों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे। देखिए साहब, जब अभ्यास करने लगते हैं ना, तो मतलब इतना बड़ा काम आप कर सकते हैं ना, इतना बड़ा काम आप कर सकते हैं जिसकी सीमा नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि कैसे, मतलब विषम परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति भी किस प्रकार से वो बाहर आकर के, किस प्रकार से उन्होंने कितना बड़ा काम किया। जो जिनको हम सफल लोग मानते हैं ना, अधिकतर सफल लोग, ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी वो बड़े गुणी आदमी थे या बड़े धनी आदमी के घर पैदा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब और उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो सफल इंसान पैदा नहीं होते हैं, सफल इंसान बनते हैं। सरल भाषा में कहूँ तो वो पैदाइशी नहीं होते हैं कि वो सफल पैदा हुए। किसी ने, कोई विद्वान है, गांव में गया और किसी बच्चे से कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, पैदा हुए हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। उनका भाव था कि विद्वान लोग पैदा हुए हैं, धनी लोग पैदा हुए हैं, ऐसा था, यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। बच्चे ने कहा नहीं, यहाँ सब बच्चे ही पैदा होते हैं। बड़े कैसे पैदा होंगे, सब बच्चे ही पैदा होते हैं। मतलब यह है कि कोई सफल होकर के पैदा नहीं होता है, सफलता अर्जित करनी होती है। मतलब सफलता हमारे पास नहीं आती है, हम सफलता के पास चल के जाते हैं। इस शब्दों में कहूं तो हम सफलता के पास चल के जाते हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अब मतलब कितने निम्न स्तर से, मैं समझता हूं उतना हम मनुष्य से किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। नाम है उनका, कोई भी व्यक्ति जीवन में फ्रेडरिक डगलस से गिरी हालत में शुरुआत नहीं कर सकता था। वे काटन प्लांटेशन पर दास के रूप में पैदा हुए थे। जहां तक आत्मसुधार की बात या आत्म बेहतरी के अवसरों का प्रश्न था, बहुत ही निराशाजनक स्थिति में थे और उनका कोई मित्र नहीं। उन्हें अपने बंधनों और निराशाजनक परिस्थिति का एहसास था। ऐसे में वह खुद से कह सकते थे, मैं तो दास हूँ, चाहे मुझ में कितनी भी महत्वाकांक्षा हो, चाहे मैं यहाँ से निकलने के लिए कितना भी हाथ पैर मार लूँ, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दासता में पैदा हुआ हूँ। मेरे माता पिता दास थे, मेरे दादा दादी दास थे, तो फिर मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ? मेरे में ऐसा करने की कोई संभावना नहीं है कि मैं शिक्षा भी पाऊँ और इस प्लांटेशन से बाहर जा करके एक नई जीवन की शुरुआत कर सकूँ। फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं सुन पाए होंगे इसको, कहाँ पैदा हुए थे? एक बहुत बड़ा घेरा जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी वहाँ, और पहले मनुष्यों को खरीदे और बेचे जाते थे। तो इस प्रकार से वो दास थे, दास जो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर कह लो, सरल ढंग से कहो तो वो वहीं रहते थे, वहीं उनके दादा दादी, वहीं उनके माता पिता, वहीं, और वो भी वहीं जन्मे थे,
बहुत बड़े घेरा, कभी वो निकल के बाहर नहीं जा सकते थे कि दुनिया कैसी है देखें और कुछ करें, बस काम करो और जियो खाओ किसी भांति। अब वो आदमी यदि ये सोचे कि मैं बाहर जाके दुनिया में पढ़ूं लिखूं और ऊंचा बढ़ूं, कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वो संभावना नहीं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और संसार में एक नई जीवन की शुरुआत करूं। यदि उन्होंने अपने अवचेतन मन में यह विचार बार बार दोहराया होता तो आज हम, जिसका मैं नाम ले रहा हूं फ्रेडरिक डगलस, हम में से कोई नहीं जान पाते इस चीज को, क्योंकि निस्नुहा तक वो वे भी लाखों दासों की तरह घुट घुट करके जीते और गुमनामी में ही मर जाते, लेकिन उनमें जीवन का जज्बा था, ये कुछ अलग ही इंसान थे। उन्होंने यह नहीं कहा मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूंगा, इसके बजाय क्या कहा? मैं दासता की इस भयंकर परिस्थिति से निकलने के लिए मेहनत कर सकता हूं और करूंगा। आश्चर्य होता है कि कैसे उन्होंने ये किया होगा। तो उन्होंने खुद के लिए एक पटकथा लिखी, पहले दूसरी थी, अब क्या किया, फिर से उन्होंने अपने लिए एक पटकथा लिखी। उन्होंने हर इंसान में छिपी रहस्यमय शक्ति का आह्वान किया। लेखक क्या कह रहे हैं यहां पर, हर इंसान के अंदर जो रहस्यमय शक्ति छिपी हुई है, मैं इसको और सरल भाषा में कहूं तो हर व्यक्ति के अंदर में एक शक्ति है, चाहे उसको आध्यात्मिक शक्ति को कुछ भी कहो, उस शक्ति को आप तब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते जब तक तो उसे आह्वान करके बाहर ना ले आए, जब तक उसको आप झकझोरे ना तो शक्ति सोई रहती प्रसुप्त अवस्था में, जैसे बीज है ना, बीज में वृक्ष एक सोई हुई अवस्था में है, लेकिन जब आप उसको बो देते हैं, पानी देते हैं, ताप मिलता है और फिर उस गर्मी से वहां पर विस्फोट निकलता है, ऐसे ही जो छिपी हुई शक्ति है उसको भी ताप की जरूरत है, सिंचने की जरूरत होती है, इसलिए उसको आह्वान करना होगा। और कितनी बार मैंने कहा वो संकल्प करना होता है, उसके लिए मेहनत करेंगे फिर वो शक्ति आपके लिए हर क्षेत्र में सहयोगी होगी होगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो हमेशा आह्वान पर ही प्रकट हो जाती है, इस शक्ति के सहारे उन्होंने अपने सामने मौजूद उन तमाम अजेय बाधाओं को जीत लिया जो उनके तथा स्वतंत्रता व शिक्षा के बीच खड़ी थी। अब क्या हुआ, जो चार दीवारी में जो कागज चिपका दिए जाते थे कुछ कभी लिखे हुए कागज को, वो और जो पुराने पंचांग पड़े होते थे ना उसी फार्म हाउस में, उसी में से वो अक्षरों को जानना पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ समझने पूछे होंगे कुछ जानकार लोगों से, जैसा भी होगा, और उसी से वो अक्षरों के बारे में, शब्दों के बारे में तो वर्णमाला सीखी, पुराने पंचांगों से, छपे हुए पोस्टर से, कहीं छपे हुए कागज आ जाता था उससे वो वर्णमाला सीख। जब तक उन्होंने पढ़ना नहीं सीख लिया तब तक उन्होंने कभी असली पुस्तक की शक्ल नहीं देखी थी। हम लोग सोच सकते हैं, कक्षा एक में गए हुए थे, हमारे पास पुस्तकों के ढेर लगा रहा होगा पहले से ही, और हम जन्म से ही देख रहे होंगे पुस्तकों अपने घरों में या कहीं भी, और वो इंसान कैसा, जब तक वो पढ़ना सीख नहीं लिया था तब तक असली पुस्तक को देखा ही नहीं था, असली पुस्तक को देखा ही नहीं था। मतलब इतनी छोटी शुरुआत के बावजूद, ऐसे कठोर परिवेश में रहने के बावजूद यह दास लड़का स्वतंत्रता हासिल करने और शिक्षा पाने में सफल रहा। उन्होंने दास जाति के मुखर समर्थक के रूप में अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बना ली। आगे चलकर इस उद्देश्य की खातिर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर क्या हुआ, उनके काम पर अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान गया और उन्होंने फ्रेडरिक डगलस को हैती का राजदूत नियुक्त कर दिया। हैती कहाँ है ये लोग बताएंगे, तो वहां का राजदूत ने नियुक्त कर दिया। सोच सकते हैं, राजदूत मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया, समझ रहे हैं ना, अब कुछ तो उनमें काबिलियत आई गई होगी। तो आप भी उस पट कथा को दोबारा लिख सकते हैं। ये सारी बातें कहने का मतलब यह है, यदि हमने कहीं गलत पथ कथा या अनजाने में या दूसरों द्वारा जो कहा गया उसको हमने स्वीकार लिया है, हम फिर से अपना स्क्रिप्ट
दोबारा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो पटकथा को दोबारा लिखने की जरूरत है जिसने आपके जीवन को रसातल में रोक रखा है। इसमें समर्पण और कभी खत्म होने न होने वाली कोशिश की जरूरत होती है। लेकिन यदि आप उस रसातल से चढ़कर बाहर निकलना चाहते हैं तो यकीन माने आप ऐसा कर सकते हैं, और दरअसल आपको ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से कदम उठाना चाहिए कि जिससे हम ऐसा कर सकते हैं, ये बात अलग है। आज तो इतनी सी बात में